गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज इंग्लिश क्लास. टुडे वी विल लर्न नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन. आज बेटा हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन. तो सबसे पहले देखते हैं नाउन किसे कहते हैं या नेमिंग वर्ड होते क्या हैं. नेम ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के नाम को नेमिंग वर्ड कहते हैं. जैसे कि आपके घर में होते हैं पर्सन्स में कौन, मम्मी, पापा, ब्रदर, अंकल, आपके फ्रेंड. तो ये सब फ्रेंड है ना, तो ये नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के नाम को. और ये मम्मी कौन हो सकती हैं, मम्मी का नाम क्या हो सकता है, सुनीता. पापा का नाम क्या हो सकता है, अक्षत. ब्रदर का नाम क्या हो सकता है, रवि, रानी. सो नेम ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड. इसके अलावा नेम ऑफ प्लेस, प्लेस के नाम को भी, प्लेस के नाम जैसे कि सिटी, हाउस, टेंपल, अपार्टमेंट, स्कूल, ऑफिस, इनके नाम को भी नेमिंग वर्ड कहते हैं. थिंग, किसी सामान के नाम को, जैसे कि टॉय, ग्लास, पेन, ये सब सामान हो गए. टॉय थिंग के नाम को. नेम ऑफ एनी बर्ड, ईगल, पैरट, स्पैरो. और नेम ऑफ एनिमल, एनिमल के नेम को भी, टाइगर, कैट, डॉग, एलिफेंट. सो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड, एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड. इनके नेम को नेमिंग वर्ड कहते हैं. किसी के भी नाम को बेटा, किसी के भी नाम को, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, तो इसका नाम क्या है, स्विच, SWITCH, स्विच. सो स्विच, स्विच के नाम को नेमिंग वर्ड. ये दिख रहा है आपको, ये है कैलेंडर, इसका नाम क्या है, कैलेंडर. सो कैलेंडर के नाम को नेमिंग वर्ड है ना. ये मैम ने दिखाया, ये क्या है बेटा, बॉटल. सो बॉटल के नेम को, ये क्या है, बॉटल. सो दिस इज नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ के नाम को. व्हाट इज दिस, दिस इज अ मोबाइल, ये इसका नाम हो गया नेमिंग वर्ड. मोबाइल नेमिंग वर्ड. तो किसी भी चीज़ के नाम को नेमिंग वर्ड कहते हैं. अब आते हैं नेमिंग वर्ड कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड. सो टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड, टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड. टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड, फर्स्ट होता है कॉमन नेमिंग वर्ड, सेकेंड होता है स्पेशल नेमिंग वर्ड. कॉमन नेमिंग वर्ड, स्पेशल नेमिंग वर्ड. जैसे कि बात करें, हु टीचर्स यू, आपको कौन पढ़ाता है, मैम, टीचर. तो हमारा नाम क्या हो बेटा, मैम. मैम क्या हो गए, नेमिंग वर्ड. लेकिन अगर बोला जाए हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो आप बोलेंगे कहकशा मैम, स्पेशली. सो कहकशा मेरा स्पेशल नेम हो गया. तो स्पेशल नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड दो तरह के होते हैं, कॉमन, स्पेशल. कॉमन मैम टीचर्स यू, स्पेशल कहकशा मैम टीचर्स यू. कॉमन किसको पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट को. स्पेशल हर्ष को, रिधिमा को, है ना. तो स्पेशल जिससे हम डायरेक्ट पता कर जाएं किसके बारे में बात हो रही है. वेयर डू यू लीव, वी लीव इन अ सिटी, हम शहर में रहते हैं. सिटी, सिटी शहर, नेमिंग वर्ड. लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पेशली वी लीव इन पटना, स्पेशल नेमिंग वर्ड. हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है चर्पी द स्पैरो. स्पैरो, स्पैरो कॉमन नेमिंग वर्ड, लेकिन उसका नाम क्या था, चर्पी, CHIRPY, चर्पी, CHIRPY. तो ये चर्पी का सी हम लोगों ने कर दिया कैपिटल, स्पेशल नेम चर्पी. हम लोगों ने पढ़ा है जिराफ, जिराफ का स्पेशल नेम क्या था, टुक टुक.
T U K टुक टुक। तो आपने देखा है जिराफ क्या हो गया, कॉमन नेमिंग वर्ड। टुक टुक स्पेशल नेमिंग वर्ड। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड, कॉमन नेमिंग वर्ड, कॉमन नेमिंग वर्ड एंड स्पेशल नेमिंग वर्ड। नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे हमारी कॉपी में, अब आपको इसको आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है। सो सी, अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है हाउ वी हैव टू नोट दिस इन आवर कॉपी। नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग बर्ड और एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल पापा, पेन, सिटी, स्पैरो। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स, कॉमन नेमिंग वर्ड, स्पेशल नेमिंग वर्ड। कॉमन सिटी, मदर, हाउस, बिल्डिंग, स्पेशल पटना, कविता, ताजमहल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।